हाय फ्रेंड्स, अभी जाड़े का वक्त है। अभी कैनाइन डिस्टेंपर के केस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन इसी में जो पेट पेरेंट्स हैं, जो डॉग के ओनर हैं, वो चाहे नए हो या पुराने, वो एक बात कंफ्यूज कर जाते हैं। कभी कभी वो सामान्य मिर्गी का दौरा, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, उससे कैनाइन डिस्टेंपर से कंफ्यूज कर जाते हैं। हो रहा है साधारण सा मिर्गी का दौरा जो ठंड में होती है, और लोग ये समझ बैठते हैं कि ये जो है कैनाइन डिस्टेंपर है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि सामान्य मिर्गी का दौरा, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, और कैनाइन डिस्टेंपर में क्या अंतर है। कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरल बीमारी है, जबकि एपिलेप्सी कुछ भी कारण से हो सकता है, जैसे ठंड की वजह से हो, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, कुछ भी हो उससे ये हो सकता है। वो वायरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैनाइन डिस्टेंपर जब भी होगा डॉग को, तो उसमें और भी सिम्टम्स रहेंगे। क्या क्या सिम्टम रहेंगे? एक तो सबसे पहला जो सिम्टम है, जिसे आप खुद से जान सकते हैं कि आपके डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर है या नहीं, वो है हार्ड पैड। उसका जो पंजा होगा ना, यहाँ वो एक बॉल टाइप का रहता है, देखा होगा डॉग का, यहाँ पर एक बॉल टाइप का रहता है पंजा। जब हटाएंगे तो वहां जब छुएंगे तो देखेंगे हार्ड लगेगा। एक नॉर्मल डॉग को छुएंगे यहाँ पे तो सॉफ्ट लगेगा, और मैंने नरम, और जब कैनाइन डिस्टेंपर वाले डॉग को छुएंगे तो वो वहां कड़ा लगेगा। तो कड़ा है तो मतलब कैनाइन डिस्टेंपर है। उसके अलावे और है कि उसके नाक से, आंख से पानी आता है, वो तो खैर सर्दी में भी आ सकता है, तो वो बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर नहीं हुआ। उसके अलावे है कि नाक से जो है कंटिन्यूअस उसके पानी गिरेगा, कंटिन्यूअस। सर्दी वर्दी में तो कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस गिरेगा। और उसमें जो होता है कि मुंह में भी उसको छाला पड़ जाता है, या उसके ऊपर अगर देखेंगे पैलेट ऊपर में जो रहता है कैनाइन डिस्टेंपर के केस में देखेंगे, तो उसमें भी कुछ दाग दाग टाइप का आपको दिखेगा, जिसको अल्सर कहते हैं, वो सब आ जाता है। तो वो समझेंगे कि आपके डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर हो गया। हमने मुंह में भी आपका सिम्टम आ जाएगा, उसे जो है कैनाइन डिस्टेंपर रहेगा तो वो उठने बैठने में परेशानी होगी, फिर खाने में भी पचेगा नहीं, खाने में भी परेशानी होगी, भूख कम लगेगा, काफी सारा सिम्टम उसमें आ जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिससे आप कभी कभी तो एकदम ऐसा होता है कि जैसे लगेगा कि पारवो हो गया। ब्लडी डिसेंट्री जो है कैनाइन डिस्टेंपर में भी होता है। तो इस तरह का सिचुएशन आएगा, मतलब कुछ और सिम्टम रहेगा। और सिंपल वाला जो एपिलेप्सी है, जिसको कैनाइन एपिलेप्सी कहते हैं, उसमें सिर्फ ये होगा कि वो उसे मिर्गी का दौरा पड़ेगा, सुबह हो या शाम हो, जनरली भोर में पड़ता है। मिर्गी का दौरा जो है जनरली देखेंगे 3 बजे 4 बजे पड़ता है, तो ये जरूर से पड़ेगा, मतलब जब सूरज उगने से थोड़ा सा पहले। तो ये अगर हो रहा है तो देखेंगे कि खैर टाइमिंग का कोई बात नहीं है, कभी भी हो सकता है, लेकिन उसे सिर्फ मिर्गी का दौरा पड़ेगा, बाकी सब सिम्टम नहीं रहेगा। तब इसमें क्या कहेंगे कि ये जो है इसे एपिलेप्सी, कैनाइन एपिलेप्सी हो गया है। कैनाइन एपिलेप्सी काफी तरह से होता है, इसके कारण जो है वो जन्मजात भी होते हैं, ब्रीड स्पेसिफिक भी होता है, किसी की नस्ल में होता है। जैसे आपको वो बीगल में जो है कैनाइन ये एपिलेप्सी जो होता है उसमें जन्मजात होता है, सेंट बर्नार्ड में जन्मजात होता है, फिर मैंने ब्रीड स्पेसिफिक होता है उसमें, और जिसको कहते हैं इडियोपैथिक कैनाइन एपिलेप्सी, मतलब ये है कारण कोई अननोन है, कुछ पता नहीं किस कारण से हो रहा है। तो कारण की बात जाने दें, पहले समझिए कि इसमें जो है ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। अगर कैनाइन एपिलेप्सी हो रहा है किसी को, मिर्गी का दौरा पड़ा किसी डॉग को, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, आपके डॉग को कोई खतरा नहीं है, आपके घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि कभी भी एपिलेप्सी होता है, अगर कैनाइन एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा पड़ा होता है अपने डॉग को, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं,
अगर आप घबराए हुए हैं तो अपने घबराहट को डॉग के सामने शो नहीं कीजिए। अगर शो करेंगे तो वो और घबरा जाएगा, और वो जो आपकी घबराहट भाप के फिर घबराएगा ना, तो हो सकता है उसे हार्ट अटैक भी आ जाए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। हम लोग जो ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से ट्रीटमेंट कर लीजिए, डॉक्टर से दिखाना जरूरी है। मैं बता देता हूं क्या करना है इसमें। इसमें हम लोग को करना रहता है कि फिनोबार्बिटन या गार्डिनल का, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिनोबार्बिटन या गार्डिनल का जो है इंजेक्शन हम लोग डालते हैं, देते हैं नस में, और डायजेपाम भी डालते हैं, कभी कभी देते हैं। डायजेपाम तब देते हैं जब समझिए कि बहुत ज्यादा एक्यूट केसेस है तब। खैर वो तो डॉक्टरी की बात है, लेकिन इंट्रावेनस मतलब नस में दिया जाता है तभी वो ज्यादा फायदा करता है। तुरंत में उसका एपिलेप्सी रुक जाएगा और उसके बाद लगभग में एक दिन दो दिन सोएगा आपका डॉग, और उसके बाद डॉग एकदम ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए हम लोग कार्डिनल या फिर फिनोबार्बिटन का जो है हम लोग उसका वो एक ओरल डोज रख देते हैं। कभी कभी जब कैनाइन एपिलेप्सी पप्पी को होता है, बहुत छोटा है, देख रहे हैं कि नस में देना खतरनाक हो सकता है, तो मात्र जो है उसे ओरल डोज फिनोबार्बिटन का देंगे, फिनोबार्बिटन का इंजेक्शन या ओरल मैंने कि सिरप खिला देंगे या टैबलेट खिला देंगे तो भी ठीक हो जाता है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है सिर्फ एपिलेप्सी अगर हो रहा है तब। और जाड़े में एपिलेप्सी बहुत कॉमन है। डिस्टेम्पर इज अ डिफरेंट थिंग, डिस्टेम्पर अलग है, लेकिन एपिलेप्सी का सिम्टम जाड़े में बहुत कॉमन है, और इसका कंट्रोल भी बहुत आसान है। तो और अगर डिस्टेम्पर है तो डिस्टेम्पर में क्या होगा कि ये तो रही कि कैनाइन एपिलेप्सी की बात, ट्रीटमेंट करेंगे तुरंत ठीक हो जाएगा और उसका आपका डॉग जो है भला चंगा खाने पीने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके डॉग को डिस्टेम्पर हो गया है तब भी प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज मैंने कि जो डिजीज आगे बढ़ेगा धीरे धीरे वो और बद से बदतर होता जाएगा। मतलब एक बार देखे कि नाक से आँख से पानी आ रहा है, फिर मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या हिचकी आ रहा है, हिचकी आएगा, हिचकी नॉर्मल डॉग को भी आता है, इसे कन्फ्यूज नहीं कर दीजिएगा, और फिर समझिए कि वो धीरे धीरे वो जर्की मूवमेंट मैंने कि पैर ऐसे ऐसे हिलाएगा या हाथ ऐसे ऐसे हिलाएगा, ये इस तरह का कुछ आएगा, या पेट में थोड़ा कंपन होगी, तो ये सब जब हो रहा होता है तब समझेंगे कि उसे जो है कैनाइन डिस्टेम्पर है। और उसमें क्या होगा कि प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज मैंने कि डिजीज जब आगे बढ़ेगा तो और खराब होते जाएगा। शुरू में खाना खाएगा, नाक से पानी गिर रहा है, आँख से पानी गिर रहा है, खाना खाएगा, उसके बाद ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कि उसके वो धीरे धीरे वो जनरलाइज्ड सीजर मतलब पूरा बॉडी ही कांपने लगेगा, वैसा होने लगेगा। पहले लोकलाइज्ड होगा, हाथ पैर या पेट में हो रहा है देखेगा, और उसके बाद जनरलाइज्ड सीजर होने लगेगा। उसके बाद फिर भी अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फिर आगे बढ़ के क्या होगा कि पूरा बॉडी ही पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि वो तो ब्रेन में असर करता है ना। ब्रेन अगर डैमेज हो गया, पार्शियल ब्रेन डैमेज हो गया तो फिर जो है कैनाइन डिस्टेम्पर ठीक करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल मतलब असंभव ही लगा मेरा। अगर ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, तो आप वो जो उसका शरीर जो है वो पूरा पूरी लकवा मार देगा। पूरा शरीर लकवा मार दिया मतलब उसका ब्रेन खत्म हो चुका है, मैंने कि लगा में उसका ब्रेन अब काम नहीं कर रहा। तो फिर उसमें क्या, उसमें जो है धीरे धीरे उसके बाद पैरालिसिस होकर धीरे उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये कैनाइन डिस्टेम्पर में ऐसा ही होता है, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज बहुत खराब होता है। और जब एपिलेप्सी हो रहा होता है तो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर एपिलेप्सी है, अगर मिर्गी का दौरा है, तो ट्रीटमेंट करने के बाद वो ठीक हो जाता है और भला चंगा हो जाता है। और उसके बाद कुछ दिनों तक डॉक्टर साहब हो सकता है ओरल डोज उसका चलाते रहेंगे, वो चलाते रहना है, उसके बाद वो डॉग बिल्कुल भला चंगा होकर एकदम ठीक हो जाता है, फिर आगे कभी भी उसे परेशानी इस तरह का नहीं होता है। तो कैनाइन डिस्टेम्पर में जैसे बताया कि उसमें प्रोग्रेसिव डिजीज बहुत खराब होता है। लेकिन कैनाइन डिस्टेम्पर के बारे में मैं तो अलग वीडियो बनाऊंगा, और मैंने बनाया हुआ है काफी सारा वीडियो, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कैनाइन डिस्टेम्पर में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जस्ट स्टार्ट हुआ है तो ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है, और ज्यादातर चांस है कि उसका ठीक हो जाने का। लेकिन एक बार अगर लकवा मार दिया, पूरा वो बॉडी मतलब वो लेटा हुआ है, तो फिर ठीक होने का चांस बहुत नेग्लिजिबल है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद से देखा हुआ है, एकदम लेटा हुआ डॉग को भी इलाज मैंने किया और वो ठीक हो गया है। मिरेकल्स तो कभी भी हो सकते हैं,
इसलिए मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ठीक नहीं होगा, मर जाएगा, ये कभी मैं नहीं कहता हूँ। कैनाइन डिस्टेंपर के केस में, किसी और केस में हो सकता है, लेकिन कैनाइन डिस्टेंपर का जो कब जो वो ठीक हो जाएगा, मैंने ये रिवर्स कर लेगा, कोई ठीक नहीं है। तो कैनाइन डिस्टेंपर का वीडियो लेके मैं और आऊँगा, आगे बताऊँगा, और इसका एक स्टेज बाय स्टेज जो क्या करना है उसका वीडियो मैं बनाऊँगा और वो आगे मैं बताऊँगा। कैनाइन डिस्टेंपर का वीडियो यहाँ है, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने से ये कन्फ्यूजन दूर होगा लोगों के बीच और काफी सारे कुत्तों की जान बच सकती है। तो मुझे अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दें।